सब्सक्राइब कीजिए रियलिस्टिक हब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को टेक्नोलॉजी और गेमिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग रियलिस्टिक हब। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो को लेके एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi के न्यू फोन के बारे में जिसका नाम है Redmi Note 5। ये फोन है सक्सेसर ऑफ Redmi Note 4 का जो कि लास्ट ईयर ही इंडिया के अंदर रिलीज हुआ था और वो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ ही रिलीज हुआ था और काफी मिलियंस ऑफ लोगों ने उस फोन को परचेस करा था। और मैंने आपको वन वीक पहले एक वीडियो बना के बताई थी कि Redmi Note 5 जब रिलीज होगा इंडिया के अंदर वो अभी तक कोई डेट अभी स्पेसिफिक डेट नहीं आई है, बट अब Redmi की कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि Redmi Note 5 इंडिया के अंदर हो रहा है रिलीज 14 फरवरी 2018 और ये हो गया है कंफर्म कि ये हो रहा है। तो आज की इस वीडियो की क्या होगी हाईलाइट, तो फर्स्ट पॉइंट मैं कवर करूंगा कि Redmi Note 5 14 फरवरी 2018 को रिलीज होगा 12 बजे, तो उसके बाद ये आपको कहाँ पे होगा सबसे पहले अवेलेबल, क्योंकि अब जैसे कोई फोन लॉन्च होता है तो ऐसा तो नहीं है वो सारे स्टोर्स पे आ जाएगा इंडिया के, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसी कौन सी दो वेबसाइट है जहां पे ये फोन होगा सबसे पहले अवेलेबल, तो उन दो वेबसाइट का मैं बताऊंगा नाम कि वो दोनों वेबसाइट है कौन सी, कहां पे आप इस फोन को सबसे पहले कर पाएंगे परचेज। सेकेंड पॉइंट पे मैं करूंगा कवर कि इस फोन का क्या होगा एग्जैक्ट प्राइस, कितने रुपए का आपको ये फोन मिलेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया था क्योंकि तब तक कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं आया था, बट अब आ चुका है कि इस फोन का क्या है एग्जैक्ट प्राइस, तो वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। थर्ड पॉइंट में मैं कवर करूंगा कि कौन कर रहा है इस फोन को लॉन्च, जैसे कि नोट 4 को किया था रविंद्र जडेजा ने लॉन्च, तो देखते हैं देखने वाला होगा कि कौन कर रहा है इस बार इस फोन को लॉन्च, तो वो भी आपको मिलेगा इस वीडियो में। फोर्थ पॉइंट में मैं कवर करूंगा कि क्या होगी इस फोन की स्पेसिफिकेशन, पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में Note 5 से रिलेटेड, तो इस वीडियो को देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक जिससे कि आपको इस चारों पॉइंट के बारे में मिल जाए इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, करो अपने दोस्तों के साथ शेयर, एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं फर्स्ट पॉइंट में कवर करूंगा कि आपको ये फोन होगा कहाँ पे अवेलेबल, कहाँ से आप इस फोन को कर पाएंगे परचेज 14 फरवरी के बाद, तो ये फोन आप कर पाएंगे परचेज mi.com से और Flipkart से। जी हाँ दोस्तों, आपको इन दो वेबसाइट के अंदर ये फोन हो जाएगा अवेलेबल 14 फरवरी के बाद। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फोन होगा Flipkart पे अवेलेबल, तो ये ट्विटर पे ट्वीट करके Flipkart ने खुद बताया है कि Xiaomi कर रही है लॉन्च और आपको ये मिल जाएगा फोन Flipkart पे 15 फरवरी तक, क्योंकि जो ट्वीट है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है Flipkart ने 5, साथ के साथ में दो लोगो है उसमें, एक तो है Redmi का लोगो साथ में है Flipkart का लोगो, तो इस ट्वीट से पता लगता है कि ये फोन होगा 15 फरवरी को Flipkart पे सबसे पहले अवेलेबल। साथ ही साथ ये फोन आपको mi.com पे मिलेगा जो कि Xiaomi की खुद की वेबसाइट है। एंड हम बात करें कि इस फोन का क्या होगा एग्जैक्ट प्राइस, तो इस फोन का प्राइस होगा 15,400 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये आपको फोन मिलेगा 15,400 रुपए का। मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्राइस ज्यादा नहीं है, जो इस फोन में फीचर्स है स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये प्राइस काफी अच्छा है। तो अगर आपको ये फोन, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछे कि मेरा क्या रिव्यू बनता है ये प्राइस सही है कि नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्राइस तो बहुत अच्छा है Redmi Note 5 का 15,400। वैसे तो आपको पता ही होगा Redmi जो कंपनी हमारी है वो काफ़ी कम पैसों में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन दे रही है आजकल, और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड आज के टाइम पर बन चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर जैसे फ़ोन रिलीज होता है आप सबको परचेज करना चाहिए। एंड अब बात करें कौन करेगा इस फोन को लॉन्च इंडिया के अंदर, तो अगर हम बात करें Redmi Note 4 की जो हुआ था 2017 में रिलीज, तो उस फोन को किया था लॉन्च रविंद्र जडेजा ने, तो इस बार भी ये लगाया जा रहा है, उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार भी कोई एक क्रिकेटर टीम ही का ही कोई मेंबर ही करेगा इस फोन को लॉन्च। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक ट्वीट करा था ट्विटर पे Flipkart ने, तो उसके वहां पे साथ में ऑलराउंडर का एक लोगो भी लगा हुआ है जिससे कि ये पता लगता है कि इस फोन को शायद करेगा कोई एक ऑलराउंडर ही लॉन्च। एंड अब बात करें कि क्या होगा इस फोन के स्पेसिफिकेशन, तो वो मैंने वैसे एक वीडियो बना रखी है, वन वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिटेल उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करी थी कि इसके अंदर आपको कैसा कैमरा प्रोसेसर सब मिलेगा। तो अगर आपको अच्छे से स्पेसिफिकेशन के बारे में देखना है तो आप वो वीडियो जल्दी से देखिए,
जो कि वहाँ ऊपर आई का एक बटन होगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। और क्या होगी इस फोन की स्पेसिफिकेशन, वो मैंने वहाँ कर दी है कवर। बट फिर भी मैं एक शॉर्ट आपको स्पेसिफिकेशन आपको उस फोन की बता देता हूँ कि आपको उस फोन में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। फर्स्ट, आपको उस फोन के जो डिस्प्ले होगा वो होगा 5.99 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जो कि होता है काफी अच्छा। सेकेंडली, आपको उसका कैमरा क्या मिलेगा, तो उसका जो बैक का कैमरा है उसके अंदर आपको मिलेगा 16+5 MP का कैमरा, मतलब पीछे है ड्यूल कैमरा जिसमें एक होगा 16 का, दूसरा आएगा 5 MP का। साथ में आपको मिलता है फ्लैश। फ्रंट के अंदर आपको मिलता है 8 MP का कैमरा, जिससे कि आप ले पाएंगे काफी अच्छी सेल्फी। अब बात करें कैसी मिलती है उसमें बैटरी, तो उसके अंदर आपको 4100 mAh की मिलती है बैटरी। सेम बैटरी आपको Redmi Note 4 में मिली थी, तो आपको वही बैटरी Redmi Note 5 में भी मिलेगी। अगर बात करें कैसे मिलता है उसमें प्रोसेसर, तो उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 636 का लेटेस्ट जो है वो आपको मिलेगा प्रोसेसर। एंड अब बात करें कि क्या मिलती है इसमें रैम, तो ये आ रहा है दो वेरिएंट में इंडिया के अंदर, जिसमें फर्स्ट में आपको मिलेगी 3 GB की रैम, साथ में होगा उसकी इंटरनल स्टोरेज 32 GB की, एंड सेकेंड वेरियंट है 4 GB की रैम एंड इंटरनल स्टोरेज है 64 GB की। तो ये थी सारी स्पेसिफिकेशन Redmi Note 5 की। अगर आपको कुछ अच्छे से स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन जाननी है इस फोन के बारे में, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो ऊपर आई बटन के साथ आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक सबसे पहले, इस वीडियो को करिए शेयर अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।